आज ना अपन सिर्फ इको ही 40 मिनट की क्लास ही लगावांगे। तो अपन सिर्फ जो डिफरेंट आइडियल गैस लॉज है उन्होंने बारे अपन डिस्कस करना वा अज वाले टॉपिक दे विच। जिदा कि तुसी देख रहे हैं पुत्र कि कल आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एग्जर्टेड बाय गैस दी एक्सप्रेशन डिराइव की थी ना आप P इज इक्वल टू 1/3 nmC² बाय V। तो P का प्रेशर ऑफ गैस है, V वॉल्यूम ऑफ गैस है, n नंबर ऑफ मोल्स, m मॉलिकुलर मास, C रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। एंड अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो कल जिस तरह लास्ट आर्टिकल आपा कीता सी वेरी इंपॉर्टेंट सी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कि किसी भी जो सब्सटेंस दी जो टेम्परेचर का कंसेप्ट है वो एक्चुअली कादे नाल रिलेटेड है कि किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली मेजर करता उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स दी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नू मेजर करता है। मतलब जिन्ना ज्यादा किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर होएगा तो उदे मॉलिक्यूल्स दी उन्नी ज्यादा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होएगी। क्योंकि जेडे मॉलिक्यूल्स है ना बेटा उन्हां दा मोशन ट्रांसलेशनल भी हो सकता, वाइब्रेशनल भी और रोटेशनल भी, और किसी मॉलिक्यूल दे तीनों मोशन भी हो सकते। तो उदे बारे भी आपां शिफ्ट करना वा डिस्कस करनी। नाउ हुन जदों असी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की गल करते हैं तो कल तुसी ऑब्जर्व किया सी जिहड़ा लास्ट आर्टिकल है तो उहदे अकॉर्डिंगली जो सी स्क्वेयर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। या तुसी देखोगे कि रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी जो है सी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी सी है ना। तो सी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बन गया। तो आ कंसेप्ट आ गया। अच्छा हुण आ जिहड़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है इहदे अकॉर्डिंगली आपां पीवी इज इक्वल टू 1/3 nmC² लिख सकते हैं। हुण इहदे च इक गल दा ख्याल रखना बेटा, देखो फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, हुण गल नूं सुनियो, फॉर गिवन मास ऑफ गैस जदों भी तुसी चाहे बॉयल्स लॉ है, चाहे चार्ल्स लॉ है, चाहे गे-लुसिक्स लॉ है, उहदे विच उहनूं स्टेट करदे वक्त ना तुसी एक टर्म यूज करदे आ फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस। गिवन मास ऑफ गैस का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है और गिवन गैस का मतलब है मॉलिकुलर मास भी फिक्स्ड है। तो इस करके बेटा फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस तो आ जिहड़ी टर्म है ये कॉन्स्टेंट है तो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वेयर बन जाए। तो आ जिहड़ी मैं टर्म सर्कल कीती है ये कॉन्स्टेंट होएगी फॉर गिवन मास ऑफ गैस। इस करके आप अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वेयर लिख सकते हैं। ते अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर सी स्क्वेयर असी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेजन 1 एंड 2 तो आप लिख सकते हैं पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो हुण आ इक्वेजन बन गई है बेटा। हुण देखो अगर तुसी बॉयल्स लॉ की गल करते हैं तो केमिस्ट्री च पढ़िया होया बॉयल्स लॉ का कंसर्न आइडियल गैस नाल है कि फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम
सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोवाइडेड टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो तुम इतों देख सकते हैं कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली फॉर गिवन मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जो आ कॉन्स्टेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। तो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो असी इस इक्वेजन की हेल्प के नाल बॉयल्स लॉ डिराइव कर रहे। अच्छा, जे असी बेटा डिराइव करना चार्ल्स लॉ, एक चार्ल्स लॉ है और एक आप कह दें गे लुसेक्स लॉ। हुण जिहड़ा चार्ल्स लॉ है बेटा उहदा कंसर्न किहदे नाल है, चार्ल्स लॉ का कंसर्न है कि फॉर गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड प्रेशर रिमेन्स कॉन्सटेंट। तो इस करके चार्ल्स लॉ के केस दे विच की है कि जदों प्रेशर कॉन्सटेंट है फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो वो आप डिराइव कर लिया ये हेल्प ना। गे लुसेक्स लॉ की स्टेटमेंट है कि फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड वॉल्यूम रिमेन कॉन्सटेंट। तो वो भी इतों आ जाएगा कि अगर वॉल्यूम कॉन्सटेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंगली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसेक्स लॉ नू डिराइव कर सकते हैं। तो वो पॉइंट आप समझ चुके हैं, फॉलो कर लिया। सो ये तो कुछ बेसिक लॉज भी जेडे आप मतलब एग्जाम प्रूव करने भी आ सकते हैं, अदरवाइज भी पता होने चाहिए। बट इस तक तो नहीं किसी को डाउट, हाँ बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बेटा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो की है, देखो जो डेरिवेशन आ सकती है अगर साडा सब्जेक्टिव एग्जाम होंदा वा ना तो उहदे विच एक तो आएगी एवोगैड्रोज लॉ। हुण एवोगैड्रोज लॉ की स्टेटमेंट की है कि अगर मान लो थोड़े कोल दो गैसेज है, तो मैं डायग्राम बना के समझा रहा कि मान लो एक गैस है ए और एक गैस है बी, तो थोड़े कोल दो आइडियल गैसेज है ए एंड बी। इस जिहड़ी गैस ए है इसका प्रेशर और गैस बी का प्रेशर बराबर है, गैस ए का वॉल्यूम बी का वॉल्यूम भी बराबर है और टेम्परेचर भी बराबर है। तो अगर थोड़े सामने दो डिफरेंट आइडियल गैसेस है ए एंड बी, दोनों के प्रेशर भी बराबर है, वॉल्यूम भी बराबर है, टेम्परेचर भी बराबर है, तो इसका मतलब की हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों गैसेस जिहड़ियां ना इन्हां दे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल है। तो दोनों दे नंबर ऑफ मोल्स भी है ना, केमिस्ट्री च पढ़िया होना तुसीं ये, तो इहदी स्टेटमेंट की बनेगी इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और विल हैव सेम नंबर ऑफ मोल। हुण ये जो कंसैप्ट मैं थानू दसिया इनू प्रूव किया जा सकता, अपना इस लॉ नू नंबर ऑफ मोल के टर्म च भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म च भी लिख सकते हैं, काम बड़ा ईजी है। पर इहदे लई थानू केड़ी इनफॉर्मेशन होनी जरूरी है पुत्र? तो देखो, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अकॉर्डिंगली
अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंगली प्रेशर है 1/3 एन एम सी स्क्वायर ओवर वी, है ना, आ एक फार्मूला है। ते दूसरा बेटा, कल जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो उसके विच तुसी देखिया होएगा कि एक असी अंडर नोट एक्सप्रेशन लिखी सी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला की आया सीगा, मतलब अगर तुसी किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसका फार्मूला थानू याद है, तो वो फार्मूला सी हाफ एन एम सी स्क्वायर। तो थानू दस्या सीगा कि जिहड़ी आइडियल गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी ते टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन सेम ही है, तो मतलब इनू आप आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं और इनू असी काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। हुण बेटा अगर आप इदा लिख दईए तो इस साइड नू असी की लिखांगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल मतलब आज तो बाद अगर थानू कोई कहे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस की फार्मूला लिखो तो वो की बनेगा बेटा, हाफ एम सी स्क्वायर। एम की है उस गैस का मॉलिकुलर मास, सी है उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इनू अभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल भी लिख सकते हैं, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल भी लिख सकते हैं, इको मीनिंग ही है। तो हाफ एम सी स्क्वायर का फार्मूला। हुण देखियो पुत्र, हुण आपां एवोगैड्रो लॉ नूं प्रूव करना कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और विल हैव सेम नंबर ऑफ मोल। हुण उहदे लई तुसीं की करदे आ पुत्र, देखो असी दो गैसेस कंसिडर कर रहे हैं, ये दो डिफरेंट गैसेस है, दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, पर क्योंकि ये दो डिफरेंट गैसेस है इस करके ए गैस का मोलिकुलर मास एम ए है, बी का एम बी है, ये नंबर ऑफ मोल्स एन ए है, ये नंबर ऑफ मोल्स एन बी है। हुण अगर पुत्र अपना इस फार्मूला दे अकॉर्डिंगली गैस ए दा प्रेशर लिखिए, वो लिखांगे 1/3 एन ए एम ए सी ए स्क्वायर ओवर वी, है ना, और गैस बी दा प्रेशर आप लिखांगे 1/3 एन बी एम बी सी बी स्क्वायर ओवर वी। इनू भी तुसी वी ए वी बी कर सकते हैं, पर अपा जो एवोगैड्रो लॉ नू प्रूव करना तो दोनों गैसेस का प्रेशर भी सेम होएगा, दोनों का वॉल्यूम भी सेम होएगा। सो इसका मतलब पी ए सी वी दे बराबर है, वी ए वी बी दे बराबर है, बिकॉज पी ए इज इक्वल टू पी वी ते वी ए इज इक्वल टू वी बी है। इसका मतलब 1/3 एन ए एम ए सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 एन बी एम बी, तो आप कैंसल आउट ही हो गया ना। तो क्या थानू गल समझ लगी है पुत्र? तो दोनों गैसेस दे लई आ रिजल्ट आ गया। अच्छा, फिर असी एवोगैड्रो लॉ की भी कहने हैं कि सिर्फ ये नहीं कहते कि दोनों गैसेस का प्रेशर सेम है या वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। अच्छा, हुण नाल ही थानू इंटरेस्टिंग गल जिहड़ी समझ आ जानी चाहिए है वो की है। देखो हुण उस गल नू समझण दे लई तुसी हुण जिथे मैं थानू लैके जाना गल नू, है ना, थोड़ा जिहा आपां अलग टॉपिक डिस्कस करना, फिर वापस इसे न्यूमेरिक आर्टिकल ते आवांगे। देखो पुत्र,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਮੋਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਐਮ ਸੀ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਐਮ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਗੈਸ ਦਾ ਮੋਲੀਕੁਲਰ ਮਾਸ, ਤੇ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਮੋਲੀਕੁਲਰ ਮਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਓ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੁਮੈਰਿਕ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਮੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਐਮ ਸੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਐਮ ਉਸ ਦਾ ਮੋਲੀਕੁਲਰ ਮਾਸ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਮਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, C ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 RT/M। ਆਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ C ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, C ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਆਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤੋ ਐਵਰੇਜ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਮੋਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਐਮ ਸੀ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਮੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਫ ਐਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 RT/M, ਐਮ ਐਮ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, ਸੋ 3/2 RT। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਮੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਜੋ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਮੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੈਸ। 3 constant, 2 constant, R constant, T ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਸ ਗੈਸ ਦਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਏ ਤੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਐਵਰੇਜ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਮੋਲ ਆਫ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹਾਫ ਐਮ ਸੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੈਸ ਤੇ। ਤੋ ਉਹ ਇਸਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਲਾ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸੇਮ, ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਸੇਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਸੇਮ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਐਸ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਗੈਸਿਸ ਆਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੋਨੋਂ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਮੋਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਏ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਫ ਐਮ ਏ ਸੀ ਏ ਸਕੁਅਰ, ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹਾਫ ਐਮ ਬੀ, ਹਾਫ ਹਾਫ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਤੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਕਰ ਦਈਏ, ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2/3, 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਐਮ ਏ ਸੀ ਏ ਸਕੁਅਰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਐਮ ਬੀ ਸੀ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਮ ਬੀ ਰਹਿਣਾ।
तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 3 जो ना 2 और 3 को डिवाइड करोगे na n b के बराबर आ जाएगा तो रिजल्ट बराबर प्रेशर भी सेम है वॉल्यूम भी सेम है और टेंपरेचर भी सेम है सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस है ना अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेंपरेचर विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और विल हैव सेम नंबर ऑफ मोल सो ये पता लगा पुत्र हाँ जी बोलो कट के आइए सारे अनुनी लग रहा अच्छा तो पहला पहला पूछा थी तुसी पहला क्या ठीक आ रही है मैं इधर जितना पुत्र रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं वहां है ना दूसरा ये हो सकता है एक्चुअली जो ब्रॉडबैंड है वो वर्क नहीं कर रहा मैं अपना जियो नेटवर्क तो ही क्लास लगा रहा वहां हो सकता है वो बैंडविड्थ की प्रॉब्लम करके भी आवाज की प्रॉब्लम आ रही हो ये भी हो सकता है रीजन तो इसे करके थानू क्या सी ये क्लास जड़ी है ना ये बस फर्स्ट 40 मिनट्स की ही क्लास है ये सेकंड मतलब टॉपिक नहीं लगाने आपा तो जिथे खत्म होगी उथे ही रुक जाना आज सो ते रिकॉर्डिंग मैं भी कर ली है तो वो मैं थानू सेंड कर दांगा देख लियो जिन्हू प्रॉब्लम आएगी ना तो जे फिर भी नहीं समय लगेगी फिर थानू दस्या होया कि तुसी एक्स्ट्रा टाइम लेके इंडिविजुअली आ सकते हैं पिछले टॉपिक भी किसी नू कोई प्रॉब्लम है पुत्र है ना लाइटली ना लो तो और एक टॉपिक है बेटा लास्ट टॉपिक ही है एदा गैस लॉस दे विच जिन्हों असी कह देने हैं ग्रहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एक्चुअली तुसी ये मे बी केमिस्ट्री दे विच भी पढ़े होंगे ग्रहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन दे अकॉर्डिंगली बेटा देखो एक गल नू समझो ध्यान दियो अगर तुसी किसे मैटर दी मूवमेंट देख रहे हैं जदों तुसी किसे मैटर दी मूवमेंट देखते हैं ना एक ता वो मूवमेंट हो सकती है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस जिदा आप कहने नहीं है कि फ्लूइड्स जेड़े है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लूइड्स दे बारे आपां नूं ये पता वा कि जेड़े फ्लूइड्स दे मॉलिक्यूल्स है चाहे गैस है लिक्विड है वो हमेशा फ्लो करते हैं हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर सो एक ना बेटा फ्लूइड फ्लो करता प्रेशर डिफरेंस करके पर एक गल जेड़ी तुसी याद रखनी है ना वो की है कि अगर थोड़े सामने कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा पर उदे फ्लो करन दा कारण प्रेशर डिफरेंस नहीं है उदे फ्लो करन दा कारण कंसंट्रेशन डिफरेंस है तो कंसंट्रेशन डिफरेंस दे कारण जदों फ्लूइड फ्लो करता तो उसनू असी उस फिनोमिना नू कहने हैं डिफ्यूजन दैट इज नोन एज डिफ्यूजन उनू डिफ्यूजन कहने हुन जदों तुसीं मान लो रूम दे विच सेंट दा स्प्रे करदे हैं तो मान लो तुसीं रूम दे अंदर सेंट नू एक कॉर्नर च हल्का जिहा स्प्रे कीता बट ओ जिहड़ी सेंट है ओ पूरे रूम दे विच थ्रू आउट फैल जाएगी डिफ्यूज होके फैल जाएगी तो वो जिहड़ा सेंट का फैलना वा पूरी जगह दे विच वो कंसंट्रेशन डिफरेंस करके है तो उस फ्लो नू असी कह दिंदे आ उस प्रोसेस नू फिनोमिना नू कह दिंदे आ डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन और फ्लो दे विच की फर्क है कि फ्लो दे विच पार्टिकल्स दी मूवमेंट हुंदी है प्रेशर डिफरेंस करके बट डिफ्यूजन दे विच मूवमेंट हुंदी है कंसंट्रेशन डिफरेंस करके मतलब मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन मूव करते हैं तो उन्होंने असी डिफ्यूजन प्रोसेस कहने तो ये गल समझ आई है बेटा तो हुन ग्रहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंगली कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है
rate of diffusion, मतलब diffuse करने की रफ्तार, that is inversely proportional to square root of its density है. मतलब concentration gradient करके difference करके जो molecules diffuse करते हैं तो उन्होंने फैलन की रफ्तार diffuse करने की rate वो उस gas की density पे dependent है. कितना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी. तो ये रिलेशन है जो ग्रैहम लॉ के अंडर असी डिस्कस कर रहे हैं. हुन इधर ये फिर असी की कर रहे हैं पुत्र, देखो असी आ एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आ एक पार्टीशन है. तो पार्टीशन दे विच इत्थे गैस ए है और आ गैस बी है. हुन दोनों गैसेस का प्रेशर सेम है, प्रेशर कोई फर्क नहीं है, दोनों गैसेस का प्रेशर सेम है. तो हुन बेटा सानू अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रेशर इज इक्वल टू 1 by 3 rho c square. कल याद होएगा जब अपन डेरिवेशन कर रहे थे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, तो प्रेशर की एक्सप्रेशन असी डेंसिटी की टर्म से भी लिख सकते हैं 1 by 3 rho c square. तो ये भी याद रखना. हुन बेटा हुन आ जी गैस ए है तो एदा प्रेशर 1 by 3 rho a c a square हो गया और गैस b का प्रेशर 1 by 3 rho b c b square हो गया उस फार्मूला के अकॉर्डिंगली. और जब हम अपन ग्रैहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं तो जिधर गैस का फ्लो है वो प्रेशर डिफरेंस करके नहीं होना चाहिए, इसका एक दोनों प्रेशर भी सेम बता दें. तो b a c b बराबर है प्रेशर, तो इस करके आप दोनों और CA over CB आप देखो इधर बात कर रहे हैं. अच्छा, पर ना ही थोड़े रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि चलो अभी ये पार्टीशन हटावांगे ना बेटा, पर पार्टीशन को रिमूव करने से ही होएगा भी जेडी गैस ए है उदी लेफ्ट साइड वाल कंसंट्रेशन मैक्सिमम है तो वो लेफ्ट तो राइट वाल पूरे रीजन नु ऑक्युपाई करेगी और गैस बी इधर नु आएगी. हुन क्योंकि असि दोनों का प्रेशर सेम अज्यूम कर रहे हैं इस करके ये जेड़ा गैस ए दा लेफ्ट तो राइट वाल फ्लो है, गैस बी दा राइट तो लेफ्ट वाल, ए डिफ्यूजन प्रोसेस है और असि डिफ्यूजन नाल डील करना, इस करके प्रेशर दोनों बराबर मनने हैं दिमाग दे विच मान के चलदे हैं. अच्छा, हुन जो गैस ने ए गैस ने लेफ्ट तो राइट वाल फैलना वा, बी ने राइट तो लेफ्ट वाल नू फैलना वा, तो जेड़ा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस है वो केड़े बराबर हुंदा बेटा, वो थानू याद रखना पड़ेगा. बट जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी है, मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. तो ये रिजल्ट है, ये मतलब इंफॉर्मेशन थानू दसी जा रही है. तो ये रिजल्ट याद रखना कि किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो इहदा मतलब, इहदा मतलब आर ए ओवर आर बी दो गैसेज का रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेशो उन्होंने रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी की रेशो दे बराबर हो गई है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी. सो ए बन गया नंबर टू. हुन बेटा सी ए ओवर सी बी ते सी ए ओवर सी बी तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आ वैल्यू पुट करती इथे, तो आर ए ओवर आर बी इज इक्वल टू रो बी ओवर रो ए. अंडर रूट तो इतों आप रिजल्ट लिया सकते हैं और आर इज
हैज प्रूव्ड, मतलब इस रिसर्च ने प्रूव करता है कि इसी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी है, मतलब जितनी किसी भी गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना लेसर होगा एंड वाइस वर्सा। तो एक पॉइंट है जो कि सानू मतलब इस पूरे टॉपिक के टॉपिक मेनली ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन थे, जो एवोगैड्रो लॉ है, दोनों लॉज आन दे चांसेस मैक्सिमम होंगे है ना, इंपॉर्टेंट है। सो इट्स तक किसी को कोई डाउट? सो इट्स तक पुत साउंड उदा दी है, है कोई क्लैरिटी? हाँ कोई गल नहीं, तो मैं पता वा एक्चुअली वही प्रॉब्लम है क्योंकि ये मैं ना जियो नेटवर्क तो कर रहे हैं अपना,